जम्मू कश्मीर में जो कल तक साथी थे अब वो सियासी दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह और महबूबा मुफ्ती आमने सामने आ गए हैं। अमित शाह के आरोपों पर महबूबा मुफ्ती ने बचाव करते हुए कहा कि फैसला बीजेपी और पीडीपी की सहमति से लिया गया, यानी वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। कल अमित शाह ने हमला बोला, जिसका जवाब आज महबूबा मुफ्ती ने दिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि राज्य में गठबंधन का एजेंडा राम माधव के साथ तैयार किया गया था। कल अमित शाह ने कहा था कि जम्मू और लद्दाख की अनदेखी की वजह से बीजेपी ने सत्ता छोड़ी। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि धारा 370, पाकिस्तान और हुर्रियत से बातचीत गठबंधन के एजेंडे का हिस्सा था। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, हमारे पूर्व सहयोगियों की ओर से हमारे खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए गए। गठबंधन का एजेंडा जो राम माधव ने मिलकर तैयार किया था और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने मोहर लगाई थी, उसको लेकर हमारी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। यह देखकर दुख हुआ कि उन्होंने अपनी पहल को अस्वीकार कर दिया और इसे नरम दृष्टिकोण करार दिया। जम्मू और लद्दाख का विकास धीरे 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 पिछड़ता गया, तब हमने सोचा कि अगर सत्ता में रहकर यही होना है तो इससे तो अच्छा है हम विपक्ष में बैठकर इसकी मुखालफत करें, इसका विरोध करें।